छह साल से पूछ रहे मशीन कहाँ है, मशीन कहाँ है, बताओ किससे दुगनी होगी। और 16 × 16 16 × 8 = 16 बेटा, जो धान 4000 को बिका था ना, वो आप 800 को बिक रहा, इतनी दुगनी हमारी आमदनी हो गई। योगी जी कर रहे हैं कि हर साल वो 2 रुपए क्विंटल के हिसाब से किसान का दाम बढ़ा रहे हैं, ये कर रहे हैं। 4 साल सरकार को होगी 8 रुपए बढ़े, और जो कि 10 रुपए तो केंद्र सरकार ने बढ़ाए थे। ये तो साबित नहीं हो पाया कि कोई खालिस्तानी यहाँ पर है। अगर ये साबित हो गया कि मोदी जी ने अडानी और अंबानी के इशारे पे इस कानून को बनाया था, तो क्या आपका मीडिया मोदी जी को सजा दिलवाएगा? क्योंकि सजा का प्रावधान होना चाहिए, उन्हें जेल में जाना चाहिए। क्या लगता है, सरकार अभी मानने के मूड में तो दिखाई नहीं पड़ रही है, पर आप लोग का जो आंदोलन है दिन प्रतिदिन बड़ा होता जा रहा है, तो कब तक सरकार मान जाएगी? देखो, हम तो सरकार से कहेंगे कि 19 तारीख में जो वार्ता होनी है, सरकार को सतबुद्धि दे ऊपर वाला और मान जाए, और नहीं तो 26 तारीख नजीक आ रही, आपको पता भी है माननीय राकेश टिकैत जी आह्वान कर ही चुके हैं, 10 लाख ट्रैक्टर जाएंगे वहाँ, और 10 करोड़ कैसे ले जाएंगे 10 लाख ट्रैक्टर? भाई ये समझ में नहीं आती बात मुझे। रोकेगा कौन भैया, कौन रोकेगा? ऐसी कोई चीज़ बनी है जो किसान को रोक सके, बताओ ना। रोक तो लिए हैं बैरिकेडिंग लगा के। नहीं, ये तो हमने ही रुकवाया है। अभी जो कहने का मतलब ये है, क्यों आप लोग अंदर जाइए? नहीं, जैसा अभी राष्ट्र नेतृत्व का निर्णय होगा ना, जब ही तो जाएंगे। अभी देख रहे हैं वार्ता चल रही है, 10 दौर की वार्ता हुई है, और वार्ता के बाद 19 को रिजल्ट नहीं निकलता है तो आप देखिएगा 23 तारीख से इसके बाद अगली तारीख 25 को दे देंगे, फिर 25 तक आप लोग रुक जाओगे। 25 में कोई वार्ता नहीं होनी, 19 के बाद कोई वार्ता होनी नहीं है। अगर 25, 24, 25, 26, 23 के बाद कोई वार्ता नहीं है, 23 से ट्रायल चल जाएगा, जो ट्रैक्टर जाने और ट्रैक्टर बड़ी संख्या में तादाद में जाएंगे, और परेड जो होगी, एक तरफ टैंक चलेंगे, एक तरफ ट्रैक्टर चलेंगे, और माननीय प्रधानमंत्री जी से हम संसद में उससे जनपद में ही पूछेंगे कि जी आप 70 साल में कह रहे थे कि इतने अच्छे कानून लाए, तो आप यहीं से बता दें, पूरा विश्व देख रहा है कि इतने अच्छे कानून है। देश में जो पेट्रोल डीजल के दाम बढ़े हैं, विश्व में कहीं नहीं बढ़े, विश्व में कहीं। चलिए, आपकी इच्छा की बात हो गई, आप लोग जाएंगे वहाँ परेड करेंगे, लेकिन लगता है चले जाने देगी सरकार बस ऐसे ही सब कुछ नॉर्मल? रोकेगा कौन सरकार? हम तो अपनी मंशा बताने जा रहे हैं, 10 बार की वार्ता हो गई। सरकार को खत्म करना होता तो एक बार की वार्ता बहुत तक कोई चीज़ निपटानी हो। वो कह रहे हैं राष्ट्रीय पर्व खराब करने की कोशिश कर रहे हो आप लोग, 26 तारीख को आप लोग वहाँ जाओगे और जो राष्ट्रीय उत्सव है उसको भंग करके एक राष्ट्रीय बेइज्जती, इंटरनेशनल आप इमेज खराब करना चाह रहे हो आप लोग। नहीं, हम क्यों राष्ट्र पर्व खराब करेंगे? हमारा नहीं है क्या राष्ट्र पर्व? हमारा नहीं है, उनका ये सारी चीज़ें, कानून हमारे लिए बना दीजिए, हमें चाहिए नहीं। अब राष्ट्रीय पर्व भी उनका हो गया, हमारा नहीं है। हम नहीं जा सकते। खराब करने की कोशिश कर रहे हो ना आप लोग। कौन कहता है? सरकार कह रही है। सरकार तो जने क्या क्या कह रही है हमें? सरकार तो खालिस्तानी, पाकिस्तानी, अफगानिस्तानी तमाम बता रही है। फंडिंग आ रही है, यहाँ से आ रही है, वहाँ से आ रही है, देख ना रहे, 20-20 क्विंटल लड्डू आ रही है, फंडिंग आ रही है ना गाँव से, वो देखे आँख खोल कर। अरे भैया, आप कह रहे हो राष्ट्रीय पर्व, अरे जनतंत्र का है राष्ट्रीय पर्व, इसे मनाएंगे। पहले गांव में मनावे थे, अब योगी जी को अच्छे नाल मोदी जी को अच्छे नहीं लगे गांव में। 3 कान माँ बता तो रहे दुगनी आमदनी करेंगे, हम 6 साल से पूछ रहे मशीन कहाँ है, बताओ किससे दुगनी होगी। और 16 × 16 = 16 बेटा, जो धान 4000 को बिका था ना, वो आप 800 को बिक रहा, इतनी दुगनी हमारी आमदनी हो गई। और सुप्रीम कोर्ट की बात करते हो आप, सुप्रीम कोर्ट पर विश्वास है बहुत बड़ा, लेकिन सुप्रीम कोर्ट का विश्वास भी डगमगा गया इस कानून से। नहीं, यही तो बात है ना, वो लोग डगमगाया क्यों? वो तो सुन ले, पूंजीपतियों की वजह से सुप्रीम कोर्ट ने यह आदेश किया कि 14 दिन के बाद किसान का गन्ना 14 दिन के तुलने के बाद 14% ब्याज देगा, जो फैक्ट्री नहीं दे रही। हमें 14 महीने हो गए, ब्याज की पाई नहीं मिली, असल के लिए 14 दिन लड़ रहे और 14 महीने लड़े, तो यार उस सुप्रीम कोर्ट को फॉलो नहीं करती जो सरकार, उसके उस सुप्रीम कोर्ट को क्या कह दे? आप लोग भी तो नहीं फॉलो कर रहे ना सुप्रीम? हम तो फॉलो कर रहे हैं। आप कहने लगे फॉलो नहीं कर रहे, और जो 6 साल से फॉलो, 8 साल से फॉलो नहीं कर रही सरकार, जो 8 साल से सुप्रीम कोर्ट के आदेश को फॉलो नहीं कर रहे, क्यों नहीं उनके खिलाफ सुप्रीम कोर्ट ने कोर्ट की अवमानना में कार्रवाई करी क्या? हम जभी तो माने, अरे जभी तो मानेंगे हम उस बात को। फॉलो क्यों नहीं कर रहे? चार आदमी इनकी समिति के हैं, जो समिति में सुप्रीम कोर्ट ने तय किए हैं, चारों उनके हैं। एक ने इस्तीफा क्यों दे दिया उन्होंने, मान साहब ने? अगर इतने ही अच्छे कानून, एक दूसरे देने वाले का दबाव था, एक दूसरे देने वाले दबाव को हम उन्हें कुछ कहने गए थे,
हमने तो उनका बहिष्कार कर दिया था। जब चारों सरकार की वाणी में बोल रहे हैं, पहले ही उसी भाषा में बोल रहे हैं, तो फिर क्या होता, हमने तो माना आप भी अशोक मान, परंतु पक्षपात जो हुआ उसके लिए विरोध है। भूपिंदर मान को अगर इस्तीफा देना था तो जिस दिन कमेटी बनाई थी और जिस दिन उसका नाम आया तो मीडिया के सामने उन्हें आना चाहिए था और माफी मांगनी चाहिए थी। मैं सुप्रीम कोर्ट के जो मुझे कमेटी में मेंबर रहेगा, मैं उसमें नहीं रहूंगा, मैं किसानों के साथ हूँ। और कुछ ना ले उत्तर प्रदेश में, ये उत्तर प्रदेश की बात कर रहे थे, उत्तर प्रदेश में 11,500 करोड़ रुपए का गन्ना चला गया और 2,500 करोड़ का पेमेंट हुआ है और पिछली साल का 2400 करोड़ रुपए का बकाया है। अब बताओ सुप्रीम कोर्ट ये कह रही है अगर 14 दिन में कोई ब्याज नहीं दे, कोई पेमेंट नहीं देता है तो मिलों को ब्याज देना पड़ेगा। इसी तो इतनी खराब है, पिछले साल का तो पेमेंट हुआ नहीं, इस साल का गन्ना आप देख रहे हैं 2 महीने हो गए मिल को चलते चलते और पेमेंट भाव तो जी क्या कर रहे हैं योगी जी पास आप लोग चाहिए मोदी के पास चले जाए। योगी जी कर रहे हैं कि हर साल वो 2 रुपए क्विंटल के हिसाब से किसान का दाम बढ़ा रहे हैं, ये कर रहे हैं। 4 साल सरकार को होगी 8 रुपए बढ़े हैं और जो कि 10 रुपए तो केंद्र सरकार नहीं बढ़ाए थे। योगी जी की समस्या है ना, आप लोग मोदी जी के पास क्यों आए? योगी जी की समस्या, योगी जी, योगी नहीं तो हमें फांसी दे रखी, योगी तो कर रहे हैं सब कुछ। अरे भाई जब हमें एक बात बता, पेमेंट मिलेगा नहीं, पर्ची पे 0 आ रहा है, अरे यार एक बीड़ी का बंडल कोई उधार ना दे भले आदमी, हम 11,000 करोड़ का गन्ना उधार दियो बैठे, एक दिन अगर हमारा पैसा जमा होने में लेट हो जाना बैंक का जो PKCC हो या PKM, तो भैया 14% का हम पे ब्याज लग जा है, यार हम कहाँ जा में? ज्यादा अन्याय कोई योगी जी से कोई अन्याय ज्यादा ना करे, इतना बड़ा अन्याय है योगी जी हैं। अरे सुन तो लो, ऐसे महात्मा है कि आज सबसे ज्यादा देश में दुखी है तो गाय है। कैसे? गौशाला खोली है, कम से कम इतना इतना गा रहा गौशालाओं में, देखो 30 रुपए देते हैं वो प्रतिदिन के हर गाय के, 30 रुपए में तो वो पुराल का पूला भी नहीं मिलता भाई। आज जो गाय 60,000 की 65,000 की थी, गाय माता है योगी जी। अरे माता है, माता ही तो जन्म, अरे माता तो धरती भी माता, वो उन्होंने ठेके पे दे दी, किसान ठेके पे दिया, रेल ठेके पे दे दी, गाय ठेके पे दे दी, और इससे बड़ा न्याय बिजली ठेके पे दे दी, शिक्षा ठेके पे दे दी, आज हमारे बच्चे स्पर्धा में पास नहीं हो सकते। यार सन्यासी को राज से क्या मतलब भाई, सन्यासी को राज से क्या मतलब, करनी चाहिए यार वो मोदी जी, हमने योगी जी मुख्यमंत्री बना दी, मुख्यमंत्री का काम उनका, अरे वो तो मंदिर में पूजा करने वाले आदमी रहते हैं यार, पूजा करने वाली इन्होंने यार, इन्होंने वो ये बना दिया, गद्दी पे बैठा दिया यार, पूजा कर रहे हैं, पूजा कर रहे हैं, हमारी हमारी पूजा कितनी बढ़िया हो रही है, आज हमारे 54 दिन हो गए आज हम कितनी बढ़िया तपस्या कर रहे हैं, अन्य दाता हैं हम, खुली छत के नीचे बैठे हैं, अरे हमारे बेचारे कितने बुजुर्गों के हम शहीद हो गए इन्हें आ गए ठंड में, और कोई कहीं कोई घटना कहीं हो गई हुई तो इनके आंदोलन में ही है, इन्हें यार इन्हें शर्म आनी चाहिए कम से कम, आज हमारी आज हम अन्य दाता हैं, हमारी इन्हें सुध लेनी चाहिए। योगी जी यार यहाँ को आए, गाजीपुर को आए, गाजियाबाद में आए, हमारे बीच में आ सके, हम कोई ऐसे शेर चीता तो है ना, नखून मार देते उनके हैं, और ये मोदी जी बैठे हैं यहाँ। प्रधानमंत्री जी ने कोरोना वैक्सीन का ट्रायल हुआ था संपूर्ण देश में, कोरोना वैक्सीन का ट्रायल हुआ था, उन्होंने ये कहा था मुझे बहुत दुख है जो लोग कोरोना में मारे गए, हमारे 54 दिन में धरना चल रहा है और 70 से ज़्यादा लोग शहीद हो गए, पहुँच गई गिनती, तो क्या प्रधानमंत्री 2 मिनट उनके लिए बोल रहे थे तो 2 सेकंड हमारे लिए भी बोलते थे, हमें भी अच्छा लगता भाई, देश के प्रधानमंत्री को वोट तो हमने भी दिया है, हमारे लिए लोगों के लिए बोलते थे भाई, जो बॉर्डर पर किसान बैठे जो शहीद हुए मैं उनके प्रति संवेदना व्यक्त करता हूं, और देश के प्रधानमंत्री को अलग अलग बातें नहीं करनी चाहिए, सारी जनता उनकी है, उनके लोग हैं, उनको वोट दिया है तो मांगेंगे अधिकार उनसे जिनको दिया है, और माननीय प्रधानमंत्री जी को ये देखना चाहिए कि 1 डिग्री टेम्परेचर तक जा रहा है, किसान 54वां दिन धरने बैठ गए, कोई वार्ता कोई किसानों के बीच में आने को बात नहीं करने को तैयार नहीं, 10 तौर की वार्ता ऐसी हो जाती है, कृषि मंत्री कहता है कि आप बताइए हमें आपकी मुख्य मांग क्या है, मुख्य मांग पे आती है MSP और तीनों कानून वापस ले दो कि हम इस पर विचार करेंगे, तैयारी करके नहीं आए, तो उनकी मंशा साफ नहीं है किसानों के प्रति, अगर वो चाहते हैं कि हम थका के भगा के किसानों को हरा के भगा देंगे तो ना किसान हारने वाला है, ना थकने वाला है, और ना
कुछ करने वाला भी नहीं। किसान जब तक सारे किसान संगठन समर्थन में, उसके बारे में क्या समर्थन वालों का कहीं कैंप तो दिखाओ मुझे यार, बैठे वो कहाँ कैंप लग रहा है उनका? आप क्या कर रहे हो, समर्थन वाले भी आंदोलन करें समर्थन करने के लिए? भाई पता तो चलेगा, ऐसे तो मैं भी आपको 10,000 चिट्ठी लिखवा भिजवा दूंगा। ये तो साबित नहीं हो पाया कि कोई खालिस्तानी यहाँ पर है। अगर ये साबित हो गया कि मोदी जी ने अडानी और अंबानी के इशारे पे इस कानून को बनाया था, तो क्या आपका मीडिया मोदी जी को सजा दिलवाएगा? क्योंकि सजा का प्रावधान होना चाहिए, उन्हें जेल में जाना चाहिए, क्योंकि ये जो कर रहे हैं ये बिल्कुल गलत कर रहे हैं। जो तीन काले कानून बनाए इन्होंने, किसान से पूछ के नहीं बनाए। हेमा मालिनी आती है हेलीकॉप्टर से खेती करती उतार तो फसल निकालती है, वो कहती है कि कानून देश की दिशा बदल देंगे। तो इस तरीके का जो वक्तव्य ये दे रहे हैं मोदी जी के सांसद भी इस वक्तव्य से दुखी है, और किसान के साथ तो पूरा देश खड़ा है। देखिए, याद कीजिए 1989 में जब मंडल कमीशन आया था, जब वीपी सिंह ने मंडल कमीशन लागू किया था, उस समय सारी पार्टियों ने उनके फेवर में चुप हो गए थे, क्योंकि वो किसी भी दलित के समर्थन को तब विरोध नहीं करना चाहते थे। क्यों? क्योंकि उन्हें दलित से वोट नहीं मिलता। ऐसे ही आज किसान के फेवर में सारी पार्टियां खड़ी हैं। अगले आने वाला चुनाव, पहले इन्होंने ये लोकतंत्र को राजतंत्र में बदलने की जो कोशिश कर रहे हैं ना, ये इनकी सफल नहीं होगी। किसानों की जो मांग है वो जायज भी है, और उस पर चर्चा विमर्श कितनी भी की जाए, लेकिन किसानों का जो फैसला है बिल्कुल साफ है, वो अपनी मांग को लेकर बिल्कुल पीछे नहीं हटेंगे, सरकार से डटकर सामना करेंगे और हर मुद्दे पे बात करने के लिए भी सरकार से तैयार हैं। 19 तारीख को वार्तालाप होनी है, 19 तारीख को क्या परिणाम आएगा वो तो आने वाला वक्त बताएगा, लेकिन अभी का जो हकीकत है वो ये है कि किसान बिल्कुल हटने के लिए तैयार नहीं है, अपनी मांग को लेकर अटिक है। आपकी राय क्या है इस वीडियो को देखने के बाद कमेंट बॉक्स में बताएं, साथ ही साथ चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और कमेंट में अपनी राय जरूर बताएं। मिलते हैं इसी तरह किसी और खबर के साथ, तब तक लिए नमस्कार। इस खबर को अभी लाइक करें, शेयर करें, अभी चैनल को सब्सक्राइब करें और घंटी जरूर दबाएं।